gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull like Vivo S18, jo kal hi launch hua hai, fast refresh rate, OLED display, super slim and lightweight in design, flagship camera setup, new Snapdragon power efficient processor, fast charging and many more. दोस्तों आज मैं Vivo S18 का इनडेप्थ रिव्यू बताने वाला हूँ। अनबॉक्सिंग और फर्स्ट इंप्रेशन वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और दोस्तों यही फोन इंडिया में V30 के नाम से अगले महीने इंडिया में लॉन्च हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले Vivo S18 या तो फिर Vivo V30 के डिजाइन और बिल्ड की बात करते हैं। तो ये है Vivo S18 जो सुपर स्लिम एंड लाइट वेट फोन है, और ये Vivo की ओर से नया कलर है ब्लॉसम। बैक में ज्यादा व्हाइट कलर का यूज हुआ लगता है, साथ में फेंट ब्लू कलर का भी यूज हुआ है। बैक में देखे तो कर्व प्रोसेस का भी यूज हुआ है और बैक ग्लास का मिल जाता है। फोन का बैक काफी यूनिक पैटर्न के साथ आता है, फ्लावर जैसे टेक्सचर्ड मिल जाते हैं। 3 डायमेंशनल पैटर्न का यूज हुआ है और टच पे काफी स्मूथ एंड सिल्की फील मिलती है। फोन का वेट सिर्फ 185.8 ग्राम्स का ही है और थिकनेस भी 7.45 mm की है और विथ 75.1 mm की है, तो इन हैंड फील अच्छी मिलेगी और सिंगल हैंड से होल्ड करने में ग्रिप भी काफी अच्छी मिलेगी और सिंगल हैंड से आसानी से फोन को ऑपरेट भी कर सकते हैं। और दोस्तों मैं 2 दिन बाद ही OnePlus 12R का अनबॉक्सिंग और रिव्यू अपलोड करने वाला हूं, तो सबसे पहले वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करके हमारी टेक टीम को ज्वाइन कर लीजिए। अब Vivo S18 में इस बार कैमरा मॉड्यूल की डिजाइन एडवांस मिल जाती है। न्यू वाटर लाइट क्लाउड विंडो डिजाइन का यूज हुआ है। टॉप में मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का मिल जाता है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा मिल जाता है और कैमरा के नीचे स्टूडियो लेवल सॉफ्ट लाइट मिलती है और इस लाइट की ब्राइटनेस काफी पावरफुल मिलती है। इस लाइट से ऑर्डिनरी मोबाइल फ्लैश लाइट के कंपेयर में 19 टाइम्स ज्यादा फ्लैश लाइट एरिया कवर होता है। इस लाइट की इफेक्ट भी फोटो में अच्छी मिल जाती है। इस लाइट को वार्म एंड कोल्ड कलर में कस्टमाइज भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे सैंपल फोटोज देख सकते हैं। लेफ्ट वाली फोटो में फ्लैश लाइट का यूज नहीं हुआ है और राइट फोटो में सॉफ्ट और ऑफ लाइट का यूज हुआ है, यानी फ्लैश लाइट का। आप डिफरेंस यहाँ पे देख सकते हैं। फ्रंट फेसिंग कैमरा में स्टूडियो ग्रेड ड्यूल सॉफ्ट लाइट मिल जाती है, यानी आप एक्सट्रीम डार्क कंडीशन में भी क्लियर फोटो कैप्चर कर सकते हैं और इस लाइट को भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं। Vivo S18 में वेराइटी ऑफ पर्सनैलिटी स्टाइल भी मिल जाती है, जहाँ पे कई सारे इफेक्ट्स में सॉफ्ट लाइट का भी यूज होता है और यहाँ पे फ्रेम का कलर भी चेंज कर सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन द फोटो। तो इस फोटो में डार्क कंडीशन में भी सॉफ्ट लाइट की हेल्प से अच्छे पोर्ट्रेट फोटोज कैप्चर कर सकते हैं, लेकिन अब यहां पे सॉफ्ट लाइट का यूज नहीं करते हैं तो भी Vivo S18 में पावरफुल एल्गोरिथम का यूज हुआ है ताकि फोटोज काफी अच्छी मिले। ये फोटो एक्सट्रीम डार्क एनवायरनमेंट में ली गई है, तो भी फोटो आप देख सकते हैं ब्राइटनेस काफी अच्छी मिलती है फोटो में, लाइट एंड डार्क की इफेक्ट नेचुरल मिल जाती है और Vivo S18 की फोटो में ग्राफिक में 25% इंप्रूवमेंट मिल जाता है ड्यू टू हार्डवेयर। नॉइस लेवल भी कम मिलता है और लो लाइट में कलर्स भी ऑप्टिमाइज मिल जाते हैं। आप डे टाइम में फोटोज के सैंपल्स भी देख सकते हैं। फोटो में टेक्सचर्स काफी अच्छे मिलते हैं। वैसे Vivo की A सीरीज कैमरा सेंट्रिक ही होती है, लेकिन इस फोन में कैमरा के अलावा भी अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं। जैसे कि फोन में परफॉर्मेंस की बात करें तो Snapdragon 7 Gen 3 ऑक्टाकोर प्रोसेसर मिल जाता है, जो हाल ही में लॉन्च हुआ है, जो 4nm प्लेटफॉर्म पे बना है। आप एंटूटू स्कोर भी देख सकते हैं, 9 लैक्स के ऊपर मिलता है। एट द सेम टाइम फोन में 16GB तक रैम मिल जाती है और 512GB तक स्टोरेज भी मिल जाती है और इस 16GB रैम को आप 16GB और एक्सटेंड भी कर सकते हैं, यानी टोटल 32GB तक रैम मिलेगी। साथ में फोन में 120Hz की रिफ्रेश रेट और ओरिजिन OS का ऑप्टिमाइजेशन भी काफी अच्छा मिल जाता है, तो ओवरऑल फोन में स्मूथ एक्सपीरियंस मिलेगा और डेली यूज में भी फोन काफी स्मूथ परफॉर्म करता है और इस फोन में AI का भी यूज हुआ है, तो कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन भी काफी इजीली ऑपरेट होगा। फोन में गेमिंग की बात करें तो 25 डिग्री रूम टेम्परेचर में फोन की ब्राइटनेस भी 200 निट्स रखी गई और ऑनर ऑफ किंग हाईएस्ट सेटिंग 120fps पे खेलने पे एवरेज फ्रेम रेट 119.4fps तक मिल जाती है, जो काफी अच्छी बात है और पावर कंजम्पशन भी 4.1 वाट तक ही होता है और ओवरऑल गेम प्ले एक्सपीरियंस भी स्मूथ मिल जाता है। 30 मिनट्स खेलने पे 9% बैटरी कंजम्पशन होता है और बैक का टेम्परेचर 38.9 डिग्री तक जाता है और फ्रंट का टेम्परेचर 40.3 डिग्री तक जाता है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है, यानी फोन में टेम्परेचर कंट्रोल और पावर कंजम्पशन परफॉर्मेंस भी अच्छा मिलेगा।
Vivo S18 की स्क्रीन में 1.5K का रिजोल्यूशन मिल जाता है। फोन में पीक ब्राइटनेस लेवल 2800 nits तक मिलेगी और यहाँ पर डिफॉल्ट ग्लोबल ब्राइटनेस 600 nits तक मिल जाती है। HDR वीडियो में मैक्स ब्राइटनेस 1500 nits तक मिलती है और आउटडोर में विजिबिलिटी भी काफ़ी अच्छी मिलेगी। 94.8% का P3 वाइट कलर गमुट मिल जाता है। ओवरऑल फोन में डिस्प्ले भी सुपर मिलती है और वीवो ने इस फोन के लिए अल्ट्रा थिन ब्लू ओशन बैटरीज डेवलप की है जो काफ़ी थीन एंड लाइटवेट होती है और बैटरी कैपेसिटी भी 5000 mAh की यूज मिल जाती है और चार्जिंग पावर 80 वोट का मिलता है जो फोन को 0 to 100% चार्ज करने में करीब 43 मिनट्स ही लेता है। Vivo S18 की प्राइस की बात करें तो बेस वेरिएंट की प्राइस चाइना में 2299 चीनी युआन से स्टार्ट होती है जो इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करें तो करीब 27510 तक होती है। तो इंडिया में ये फोन शायद 31 या 32,000 के अराउंड आ सकता है। कंक्लूजन पे आए तो Vivo S18 में कैमरा में ज़्यादा फोकस किया है क्योंकि ये कैमरा सेंट्रिक फ़ोन है। फ़ोन में पोर्ट्रेट एल्गोरिथम भी काफ़ी अच्छा यूज़ हुआ है जिससे एक्सेलेंट फोटोज़ मिल जाती है। साथ में फ्रंट और बैक में काफ़ी अच्छी सॉफ्ट लाइट भी मिल जाती है जिसे डार्क कंडीशन में फोटोज़ काफ़ी क्लियर मिलती है। फ़ोन लाइटवेट भी है और स्लिम भी है। ऊपर से लॉन्ग बैटरी लाइफ मिल जाती है। साथ में ब्लू स्टार AI मॉडल भी इम्प्रेसिव मिल जाता है। फ़ोन में ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा मिल जाता है और जैसे कि आपको पता है Vivo S18 इंडिया में Vivo V30 के नाम से जल्दी ही लॉन्च होने वाला है। शायद नेक्स्ट मंथ ही लॉन्च होगा ये फोन क्योंकि Vivo V30 इंडिया में ऑलरेडी BIS सर्टिफिकेशन साइट में देखने को मिला है। तो दोस्तों आपको Vivo S18 या तो फिर Vivo V30 कैसा लगा, कौन सा फीचर आपको अच्छा लगा, कौन सी प्राइस में इंडिया में आना चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताया। और दोस्तों लेटेस्ट फोन के लीक्स लॉन्च डे टेक न्यूज सबसे पहले देखने के लिए मेरे x.com फॉर्मली ट्विटर हैंडल को फॉलो करना ना भूलें और लेटेस्ट फोन और गैजेट्स के 1 मिनट में अनबॉक्सिंग देखने के लिए मेरे इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो करना ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले लेटेस्ट एक अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे एंड कीप स्माइलिंग। About others way before myself, yeah. I guess that's why I feel like I go through hell, damn. Wasting time on your dreams instead of mine, yeah. About to turn this franchise around on a dime, man. It's all about finding your right state of mind. It's all about turning the worst into fine. It's all about time and the work and the climb. From the thirst we will rise, I'm immersed in this life. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first.